उनसे मिलने आई हूँ जिसने पारो के खिलाफ कंप्लेन की है कि उसने नीलम आंटी को जान से मारने की कोशिश की है। प्लीज मुझे बता दो कि पारो के खिलाफ कंप्लेन किसने की। अगर नाम ही पता लगाना था तो पुलिस स्टेशन जाना था ना, वहाँ FIR में देख लेती किसने लिखवाई थी, यहाँ घर आने की क्या जरूरत थी। एनीवे अब आ गई हो तो बता देते हैं, वो हम थे, हमने शिकायत की थी और ऋषि ने भी। मैंने कब शिकायत की? ऋषि कोई बात नहीं, किसी का लिहाज मत करना यहाँ पे, और ये तो बिल्कुल मत दिखाना कि तुम्हें मॉम की बिल्कुल चिंता नहीं। बताओ सबको, बताओ कि तुम्हें मॉम की कितनी चिंता है। जब वो हॉस्पिटल में थी उनकी हालत देख के तुम्हें कितना गुस्सा आया था, कितना बुरा लगा था, और उसी गुस्से में आके तुमने कंप्लेंट की थी, बताओ उन्हें। एक सेकंड मनीषा, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। याद नहीं रहता ना ऋषि, जिस तरह तुम्हें ये याद नहीं रहा कि तुम्हारे फोन में ट्रैकर है। हुआ इसमें याद नहीं रखने जैसा क्या है? ट्रैकर अगर मैंने फोन में लगाया होता तो ऑब्वियसली मुझे याद होता कि मैंने फोन में ट्रैकर लगाया है। मैंने लगाया ही नहीं फोन में ट्रैकर। आपने कंप्लेन नहीं की लेकिन FIR में आपका नाम है। आप बोल रहे हो कि आपने ट्रैकर नहीं लगाया लेकिन वहां पुलिस आपके मदद से पहुंची है। पता नहीं मैं खुद को दोष दूं कि मैंने हमेशा आप पे भरोसा किया या फिर मैं खुद को कोसूं। फिर जब भी किसी ने भी मुझे आपके खिलाफ कुछ बुरा बोला है मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने हमेशा से ये माना है कि आप मेरी दी का साथ दोगे। हाँ मैं आपसे गुस्सा थी लेकिन मुझे मुझे हमेशा ये भरोसा था, ये विश्वास था कि आप मेरी दी का साथ दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरी दी का साथ दोगे। मैंने दिया है हमेशा, तुम्हारी दी का हमेशा साथ दिया। मैंने साथ दिया दी का, आपने ऐसे साथ दिया दी का। आप सब जानते हो कि दी गुनेगार नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है और पारो पे भी गलत इल्जाम लगाया है, वो उस गुनाह का जो वो बिचारी बच्ची कभी कर ही नहीं सकती। जो हुआ वो बस एक हादसा था या फिर किसी ने किया, लेकिन आप सब लोगों ने तो मुझे बना दिया उसको। इसलिए पारो को बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए दी ने सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लिया। दी ने कोर्ट में झूठ बोला, गलत बोला दी ने कि सब कुछ उसने किया है ताकि वो मुझे बचा सके, पारो को बचा सके। इस घर को समझ क्या रखा है तुमने? अदालत? और खुद को क्या समझ रही हो? अपनी बहन की वकील? जो भी कहना है ना जाकर अदालत में कहो, जज के सामने, वकीलों के सामने जाकर कहो कि तुम्हारी दीदी ने कुछ नहीं किया है। एग्जैक्टली और अगर उन्होंने मान लिया कि तुम सच बोल रही हो और तुम्हारी बहन गुनेगार नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, सिंपल। अब अगर तुम्हारा हो गया हो, प्लीज लीव, हमें डिनर करना है।